तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है एक मल्टीनेशनल कंपनी का और एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोनों में सबसे अच्छा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता कौन है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप किस में बच सकते हो किस में बच नहीं सकते हो, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ज़्यादा दोस्तों मैं बता दूँ, पहले मैं बात करूँगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है, बस MNC में थोड़ी सी एक लंबी स्टोरी होती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो प्रोसेस होता है वो किसी वेंडर के थ्रू होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई बिजनेस हो, आप एक एम्प्लॉयर हो, आपकी कोई कंपनी है, आपने किसी दूसरे को वेंडर दिया कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करोगे और एक भी अगर मिस्टेक हुई तो तुम्हारा इतना पैसा कट जाएगा या हम तुम्हारे से सर्विस लेना छोड़ देंगे, तो उनके तो एक क्लाइंट की बात आ जाएगी। तो उसी तरीके से वहाँ पे होता है कि जब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला वेंडर उस लेटर पे साइन करता है कि हाँ उनकी पॉलिसी है, अगर आपने गलत बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर दिया तो या तो वो क्लाइंट कैंसिल या मतलब आपसे सर्विस लेना बंद कर देंगे या फिर आपको इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। उनका बाउंड होता है कि 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, तो उनकी अलग अलग एक पेनाल्टी होती है उन वेंडर्स के थ्रू। तो जो वेंडर वेरिफिकेशन करता है ना वो बहुत अच्छे से करता है, वो बहुत तगड़े से करता है ताकि उसका क्लाइंट वो बना रहे, क्योंकि करते बंदे ही हैं वहाँ, मतलब जाके कोई बाइक से जाएगा कोई कैसे जाएगा वही करते हैं, लेकिन उनका जो बॉस होता है ना, जो बॉस उनका है, जो मेन मालिक है उस चीज़ का, तो वो इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा रखा होता है कि वो मिस्टेक ना हो और वो मेरा क्लाइंट टेक ना जाए। क्योंकि मल्टीनेशनल का क्लाइंट अगर जिसके पास है, समझ लो उसकी अर्निंग उस क्लाइंट से ही सिर्फ करोड़ों में होती है, तो वो नहीं चाहते कि मेरा क्लाइंट जाए। तो मैं बता दूं जो MNC कंपनीज हैं उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थोड़ा अच्छे से होता है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो आपका करंट पे ज़्यादा फोकस करता है, आपका मार्कशीट, ग्रेजुएशन एंड एक प्रीवियस कंपनी, वो इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। बाकी उसे इतना मतलब नहीं होता कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो पूरा उठा के वो चेक करेगा, उसे इतना मतलब नहीं होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो ओरिजिनल हैं, वो रियल हैं कि नहीं, आपके जो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पोर्टल होता है वहाँ पे जाके वो डालते हैं, ये रोल नंबर करके डाला उन्होंने और इसके बाद वहाँ पे अपलोड किया आपके डॉक्यूमेंट्स, देखे कि हाँ वेरीफाइड हैं, सही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे, तो उनको सिर्फ इस चीज़ से ही मतलब होता है और ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। इतना मतलब मैं सीधी सी अगर लैंग्वेज में बोलूँ ना तो इतना तगड़े से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसमें चल जाता है अगर 10% आपने इधर उधर भी किया ना तो वो चल जाता है, क्योंकि इतना वो फोकस नहीं करते हैं BGV पे। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।